हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रांसफॉर्म एकेडमी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके बारे में सीखा था। आज हम लोग हमारा स्टेप टू मतलब 11th के एडमिशन का पार्ट वन कैसा फिलअप करना है इसके बारे में जानेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कौन सी वेबसाइट होगी, कैसा हमें इस पेज तक पहुँचना है, तो उसकी मदद से आप लोग यहाँ तक आ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपके मोबाइल पे एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप लोगों को आया होगा, वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पे पुट ऑन करना है। जैसे आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डालते हो और लॉगिन करते हो तो आपके सामने ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पे आप लोगों को आपका लॉगिन आईडी, जिनका फॉर्म हम लोग फिल कर रहे हैं उनका यूजर्स नेम और आईपी एड्रेस वगैरह, जो कि अभी हमारे फिलहाल कोई काम का नहीं है, लेकिन ये जो स्टूडेंट डैशबोर्ड आप लोगों को दिख रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट वन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग इस वीडियो में एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट वन फिलअप करना सीखेंगे। यहाँ पे स्टेटस क्या बता रहा है? इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट क्यों बता रहा है? क्योंकि हम लोगों ने इसे अभी तक फिल नहीं किया। तो चलो देखते हैं कि कैसे इसे फिल किया जाए। सबसे पहला लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगे हम लोग और यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में जाएंगे। जैसे हम लोग स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में जाते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने पहले ही स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन कर दिया था, तो वो यहाँ पे पहले से ही आप लोगों को दिखेगा। अगर इसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप लोग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ का जो भी डेटा है वो सब कुछ करेक्ट है, तो हमें इसे चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम लोग जस्ट इसे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली, जैसे हम लोग हमारा सीट नंबर वहां पे फिल किया है, वहां पे ऑटोमेटिकली हमारी पूरी डिटेल इन लोग कैच कर लेंगे। जैसे कि आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो कि हम लोग जिसका सीट नंबर पुट ऑन किया है उसी का नाम यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो हमने जिसका किया था ये उसी का नाम यहाँ पे दिख रहा है। स्कूल वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपका आधार कार्ड, स्कूल का इंडेक्स नंबर, यूडाइस नंबर, किसी किसी का हो सकता है अनदर बोर्ड का होगा तो ये ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, तो उस वक्त हमें इसे मैन्युअली फिल करना होगा। तो ये सब कुछ राइट है, तो इसीलिए मैं इसे सेव एंड नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट एड्रेस डिटेल्स, तो यहाँ पे हमें हमारा एड्रेस पुट ऑन करना है, तो जो भी एड्रेस देगा हम लोग यहाँ पे पुट ऑन करेंगे। ओके, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे हमारा पूरा एड्रेस पुट ऑन किया है, उसके बाद हमें हमारे एरिया का पिन कोड डालना है। जो भी आपके एरिया का पिन कोड होगा आपके एड्रेस के ऊपर लिखा हुआ रहेगा। फिर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है कि आप कहाँ कौन से स्टेट में रहते हो। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो। एंड उसके बाद आपका तालुका क्या होगा, मतलब तहसील, आपका तहसील कहाँ पे आता है वो हमें यहाँ पे लिखना है, और कौन से विलेजेस में, टाउन में या सिटी में आप लोग रहते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है मोबाइल नंबर, अगर आपके पास और एक एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर रहेगा तो आप लोग उसको पुट ऑन कर सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है, होगा तो फिलअप करना है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। मैंने सेकेंड नंबर मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने उसे पुट ऑन कर दिया, और एक ईमेल आईडी मैंने पहले ही दिया था तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो गया है। इसके बाद मुझे सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ये यहाँ पे हमें कैटेगरी दिखाएगा। अगर आप जनरल या ओपन कैटेगरी में आते हैं तो जनरल और ओपन को सिलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर आप लोग कोई एससी में आते हो, एनटी में आते हो, ओबीसी में आते हो तो वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो नॉर्मली हमारा कास्ट ओपन में ही आता है तो हम लोगों ने इसे ओपन में ही फिल किया है। इसके अलावा आप हैंडीकैप हो तो यस कीजिए, नहीं हो तो नो कीजिए। देन कोई अर्थक्वेक प्रोजेक्ट अफेक्टेड हुआ है, आप जहाँ पे पहले रहते तो वहाँ पे भूकंप आदि कुछ आया होगा, उसकी वजह से आप लोगों को माइग्रेट होना पड़ा, ऐसा कुछ है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये नो ही होता है। ऑल इसके अलावा कोई पेरेंट्स आपका ट्रांसफ़र तो नहीं हुआ है किसी पर्टिकुलर एरिया से ऑनलाइन एरिया में, मतलब किसी विलेजेस से अर्बन एरिया में ट्रांसफ़र तो नहीं हुआ है। आपके ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे, 1947 में उन्होंने क्या आज़ादी के लिए लड़ाई की थी, अगर की होगी तो यस, नहीं की होगी तो नो करना है। देन उसके बाद एप्लीकेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो सर्विसमैन है या एक्स सर्विसमैन के कैटेगरी में आते हैं तो यस करो, नहीं आते तो नो कीजिए। देन आगे डज एप्लीकेंट बिलोंग स्पोर्ट्स कैटेगरी, स्पोर्ट्स आपने 10th स्टैंडर्ड में किसी स्पोर्ट्स कैटेगरी में हो तो यस कीजिए, नहीं होगे तो नो कीजिए। देन लास्ट
इफ यू आर फॉलिंग अंडर कैटेगरी ऑफ ऑर्फेनेंस, मतलब आप अनाथ हो, आप अनाथाश्रम में रहते थे तो यस कीजिए, नहीं रहते थे तो नो कीजिए। देन एडमिशन अंडर टेक्निकल रिजर्वेशन, आपको HSBC या बायफोकल कोर्सेज में अगर एडमिशन लेना है तो यस कीजिए, नहीं लेना है तो नो कीजिए। यह आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या करना है। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, आप माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हो तो यस कीजिए, नहीं आते हो तो नो कीजिए। देन इन हाउस कोटा, आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो वो आपका स्कूल का ही कॉलेज है, आप इन हाउस ही स्टूडेंट हो या आउटसाइडर हो, इन हाउस हो तो यस कीजिए, आउटसाइडर हो तो नो कीजिए। देन सेव एंड नेक्स्ट। इसके अलावा क्वालिफिकेशन डिटेल्स से डायरेक्ट इन्होंने उसको ऑटो फिल कर लिया है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी इन्हें देना नहीं, बिकॉज ये ओपन कैटेगरी में थे और हम लोग ऑनलाइन मेट्रोपॉलिटन रीजन में रहते, इसीलिए इन लोगों ने सब हमारा डेटा 10th में ही इनके पास, जब हम लोगों को हॉल टिकट के लिए डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए थे उसी वक्त इन लोगों ने ऑनलाइन पूरा डेटा हमारा सबमिट कर लिया था, इसीलिए हमें क्वालिफिकेशन डिटेल्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, फीस को पेमेंट करेंगे। यहाँ पे जो भी मुंबई के स्टूडेंट्स हैं उनको 225 रुपीज़ पे करना होगा, अदर देन मुंबई के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको सिर्फ 125 रुपीज़ पे करना होगा। तो यहाँ पे पेमेंट मोड दिया, आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या UPI ट्रांजेक्शन से कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो चलो देखते हैं कैसा पेमेंट किया जाता है। ऑनलाइन पे मैं क्लिक करता हूँ, देन इसके बाद प्रोसीड टू पे एडमिशन प्रोसेसिंग फीस, प्रोसीड कर देते, देखते हैं एडमिशन फीस हमें पे करना है। तो यहाँ पे इसी ट्रांजेक्शन ID, PAID आ जाएगा, पे नेम आ जाएगा, फीस अमाउंट आ जाएगा, देन इसके आगे प्रोसीड कर देते। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए कि आपको कौन से ऑप्शन से पे करना है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट से पे करना, UPI ट्रांजेक्शन, क्रेडिट कार्ड से। तो मुझे डेबिट कार्ड मेरे पास अवेलेबल है तो मैं डेबिट कार्ड से ही पेमेंट करूँगा। डेबिट कार्ड पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमें कुछ डिटेल्स मांगेगी जो डेबिट कार्ड की, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम और CVV, तो ये हमें यहाँ पे पुट ऑन करना है। तो जो भी तुम्हारे पास डेबिट कार्ड होगा उसके ऊपर कार्ड नंबर लिखा होगा, 16 डिजिट का कार्ड नंबर होता है, वो हमें यहाँ पे फिल करना है। एक्सपायरी डेट आपके कार्ड पे ही लिखी होगी, उसे आप लोगों को फिल करना है। कार्ड होल्डर नेम, जो भी कार्ड के ऊपर जो भी नाम लिखा होगा वो नाम हमें यहाँ पे पुट ऑन करना है। वो शायद आपका तो नहीं होगा, आपके पिताजी का हो सकता है, आपके भाई का हो सकता है, आपकी मम्मी का हो सकता है, किसी भी रिलेटिव्स का या फ्रेंड का हो सकता है। तो जिसका कार्ड होगा उसका नाम यहाँ पे हमें लिखना है, हमारा नाम नहीं लिखना है। देन कार्ड के पीछे एक CVV 3 डिजिट का नंबर होगा, वो हमें यहाँ पे पुट ऑन करना होगा। देन उसके बाद एंटर हम लोग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें बताया कि अमाउंट हमारी 225, चार्जेस कुछ 1 रुपीज़ 2 पैसा लग रहा है, हमें कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, तो कंटिन्यू हमें करना ही ऑब्वियसली, 1 रुपया 2 पैसा ज़्यादा चार्ज कर रहा है, वो प्रोसेसिंग फीस होता है, हमें उसे पे करना ही होगा। उसके बाद स्क्रीन पे ऐसी लोड होगा बैंक पेज, और यहाँ पे आपके जो भी कार्ड होल्डर होगा उनके मोबाइल पे एक OTP चला जाएगा, वो OTP हमें यहाँ पे पुट ऑन करना है, उसके बाद हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा। 6 डिजिट का OTP आता है, वो OTP को हम लोगों को यहाँ पे लिखना है और एंड में सबमिट कर देना है। जैसे ही हम लोग सबमिट करते हैं प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे एप्लीकेंट का पेमेंट हो चुका है, आपके मोबाइल के ऊपर भी एक मैसेज आ जाएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो गया है। तो जैसे ही ये फॉर्म हमारे सामने आता है हम लोग इसको एक बार फिर से चेक कर लेंगे, पर्सनल डिटेल्स में सब कुछ बराबर है कि नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने तो यहाँ पे कुछ फिल ही नहीं किया था एड्रेस के अलावा, तो हमारा ये सब कुछ बराबर ही होगा। इसके बाद हमें डिक्लेयर करना है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने दिया ये ट्रू है और आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो, अगर इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट होती है तो मेरा एडमिशन आप लोग कैंसिल कर सकते हो। ये क्लिक करने के बाद हमें हमारे एप्लीकेशन को लॉक कर देना है, लॉक एप्लीकेशन फॉर्म।
हम लोग जैसे ही इसे लॉक कर दे तो हमें एक बार फिर से कंफर्मेशन मांगेगा। क्यों कंफर्मेशन मांगता है? क्योंकि ये यहाँ पे बोलता है यू विल नॉट बी एबल टू मॉडिफाई चेंज अल्टर योर एप्लीकेशन फ्रॉम वंस यू लॉक इट। अगर एक बार आपने इसको लॉक कर दिया इसके बाद आप इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो। देन उसके बाद पूछता है कि आप आर यू श्योर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को लॉक करने के लिए, तो आप श्योर हो तो यस कीजिए, नहीं हो तो कैंसिल कीजिए। बट आपको श्योर होना ही होगा बिकॉज अगर कुछ भी मिस्टेक्स होती तो आपके तरफ से अल्टर नहीं होगा बट एक सेंटर दिया जाएगा, उस सेंटर की तरफ से उन लोग अल्टर करने का उनके पास राइट्स होगा। तो हम लोग इसे कंफर्म करते और इसके थ्रू कंफर्म जैसे ही करते यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन फॉर्म लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखता है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म हमें इसका प्रिंट तो निकालना ही है, जस्ट एंड में आके हम लोग देखते हैं कि हमारा करंट स्टेटस क्या है। ऑटो वेरीफाइड, ऑटो वेरीफाइड मतलब कि हम लोग ओपन कैटेगरी से आते हैं तो हमें वेरिफिकेशन के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। वेरिफिकेशन का सिर्फ रिक्वायरमेंट होता है जो कास्ट में फॉर्म भरते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर जो फॉर्म को फिलअप करते हैं उनको ही यहाँ पे वेरिफिकेशन करना होगा। तो अभी हम लोग हमारे फॉर्म को यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। रिटर्न हम लोग डैशबोर्ड पे आके देखते हैं कि यहाँ पे अभी हमारा स्टेटस क्या बताता है। देखो यहाँ पे पहला इनकम्प्लीटेड लिखा था, अभी क्या लिखा है ऑटो वेरीफाइड। तो अभी कुछ दिनों के बाद हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट टू स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही पार्ट टू स्टार्ट होता है हमारा वीडियो आप तक पहुँच जाएगा। और पार्ट टू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों स्टेप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो भी फॉर्म फिलअप करना है वो पार्ट टू है। बिकॉज वहाँ पे हमें कौन सी कॉलेज को चूज़ करना है, उस कॉलेज की डिटेल्स को कैसे फिल करना है, कौन सा कॉलेज हमको चाहिए, वो कॉलेज हम लोग कैसा मिल सकता है हम लोगों को, इसकी ट्रिक्स मैं आप लोगों को वहाँ पे बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स घर बैठे बैठे मोबाइल से ही अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। स्टे होम स्टे सेफ।